अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैंने दही फुलकी बनाई है, ये बहुत मज़ेदार बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। आइए देखते हैं हमें मज़ेदार सी फुलकियों को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरह से बनती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुलकी बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो मैंने ये लहसुन लिया है और ज़ीरा लिया है, इनको हम पहले पीस लेंगे। इनको हम पीस लेते हैं। एक कप मैंने बेसन लिया है फुल। पहले मैंने एक कप लिया है और ये अब मैं हाफ कप ले रही हूँ। अब इसमें हम जो हमने लहसुन और जीरे का पेस्ट बनाया है वो डाल देंगे, हाफ टी स्पून। एक चुटकी सोडे की डालेंगे हम, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर। हाफ टी स्पून इसमें हम नमक शामिल कर देंगे। अब हम इसको बेसन को हम अच्छी तरह से घोल लेंगे ताकि इसमें कोई भी जो है गुठली ना रहे। देखें इस तरह से हम इसको तैयार कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी देख लें आप कैसी है, ऐसा होना चाहिए। अब इसको हम आधे घंटे के लिए रखेंगे। बेसन हमने आधे घंटे के लिए रखा था। अब हम इसकी फुलकियाँ बना लेंगे। ऑयल हमने गरम कर लिया है, बहुत तेज़ नहीं होना चाहिए ऑयल। इस तरह से हम फुलकियाँ तैयार कर लेंगे इसकी। ये देखिए फुलकियाँ हमारी कितनी अच्छी माशाल्लाह तैयार हो रही। अब इनकी हमने साइड चेंज कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह फुलकियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। अब हम सारी तैयार कर लेंगे इस तरह से ही। फुलकियाँ हमारी तैयार हो गई, ये देखें कितनी अच्छी बनी है और सॉफ्ट बनी है। हमें दही में डालने के लिए ये चाहिए पुदीना, हरा धनिया चाहिए, ये मैंने तीन हरी मिर्चें ली हैं। इनको हम पेस्ट बना लेंगे इनका, और हमें नमक चाहिए होगा, इसको हम पीस लेंगे। ये हमने हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना पीस लिया। दही में हम ये ऐड, अब इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। बस थोड़ा सा ही नमक ऐड करेंगे, क्वार्टर टी स्पून।
जो हमने लहसुन का और जीरे का पेस्ट बनाया था वो हम इसे ऐड कर देंगे। और इसको अच्छी तरह से हम दही को इस तरह से ऐड लेंगे। अब दही हमारी तैयार हो गई है। अब हम फुलकियाँ जो है, अब पानी लेंगे हम एक बोल में और इसमें हम ये लहसुन और ज़ीरे का जो वो है ऐड कर देंगे पेस्ट। इसमें हम जो हमने फुलकियाँ बनाई हैं उनको डाल देंगे। पानी में डालने से ये बहुत सॉफ्ट बनेंगी और इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। जो हमने इसमें लहसुन और ज़ीरा डाला है उससे बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आ जाएगा। बस इसको हम जस्ट जो है वो 2 या 3 मिनट जो है इसको इसमें भिगोएंगे और उनको हम निकाल लेंगे। फिर 3 मिनट हो गए हैं फुलकियों को हमने भिगोया है। अब इनको इस तरह से हम निकाल लेंगे, दबा के इसका थोड़ा जो एक्सेस वाटर है वो निकाल लेंगे ऐसे। अब इसमें हम दही ऐड कर देंगे। ज़रूर ट्राई करें आप, ये बहुत मज़ेदार बनती हैं। बनाइए और मुझे कमेंट्स करके बताइए आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।